स्वागत करेंगे। मैं पिछले 20 साल से यहाँ काम किया है तो मैं मानता हूँ कि इस तरह के अगर हमें खेलों को आगे ले जाना है तो ऐसे हमें बहुत सारे शक्ति नगर चाहिए। आदरणीय नीलम भैया हम उपस्थित हैं, उनका स्वागत हम अभिनंदन करते हैं। मेरे जीजा जी और बहन आशीष सक्सेना साधना सक्सेना जी का अभिनंदन करता हूँ। अन्यान मेरे मित्रगण या मौजूद अभिलाष नागर जी फैयाज भाई का स्वागत करेंगे। फैयाज भाई ने हमको सहयोग करा, हम उनका आप नेवी से हैं। इकबाल भाई परितोष इनकी पूरी टीम और मेरी पूरी टीम बैठ बबलू भाई इधर बैठ। मेरे पास नहीं है, मेरे पास लेते नहीं, मेरी नहीं सर। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी में पूरे टाइम घूमे दिखवे जी। जी 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 मोबाइल भैया मोबाइल पीछे आ जाओ जी सर। अरे मोबाइल भैया और चंदन लाल जी चंदानी जी इन दो लोगों की वजह से हम अभी इंडिया लेवल का टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। दोनों ने हमको कंपनियों ने सहयोग करा है, मैं आभारी हूँ दोनों का। स्टेट लेवल टूर्नामेंट हमारा 30 और 31 को रतलाम में भी है और ये मास्टर चैलेंज ट्रॉफी का आज फाइनल हो रहा है। इसके आगे भी हमारा वार्षिक कैलेंडर निकलेगा और इस तरह के कोरोना के बाद इससे कार्यक्रम चलते रहेंगे। और आप सब प्रिंट मीडिया का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी एक घंटे बाद यहां पारितोषिक वितरण होगा, आप लोगों के सहयोग का मैं धन्यवाद करता हूं। मैदान पर आज क्रिकेट के फाइनल का टूर्नामेंट है, टेनिस बॉल से ये खेली जा रही प्रतियोगिता। एक्चुअली ये हमारी जो संस्था है यही हमारे खेलों के लिए आधार है। जिस तरह का मैंने आज शक्तिगढ़ में माहौल देखा कि पूरे संस्था से जुड़े हुए लोग और जो लोग भी ये बिना किसी सहायता के 20 साल से कार्य कर रहे हैं और ये दूसरी संस्थाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है कि अगर हमें अपने खिलाड़ियों को आगे ले जाना है तो हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। उसमें खेल संस्थाओं की भी भागीदारी है, शासन की भी भागीदारी है और सबसे ज़्यादा हमें अपने खिलाड़ियों को सम्मान देना सीखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि इस देश में ध्यानचंद अभिनव बिंद्रा सचिन तेंदुलकर विश्वनाथ आनंद जैसे खिलाड़ी और भी आगे बढ़ें तो इस तरह के टूर्नामेंट इस तरह की संस्थाएं एक देश में रोल मॉडल का काम कर सकती हैं। जब हम जिस तरह हम अपने शहर के जनप्रतिनिधियों को सम्मान देते हैं, बड़े व्यवसायियों को सम्मान देते हैं, उसी तरह का सम्मान अगर हम अपने मोहल्ले के खिलाड़ियों को देंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे मोहल्ले का ही नहीं प्रदेश और देश का नाम रोशन करेगा। बहुत ठीक। शक्ति स्पोर्ट्स क्लब जो आयोजन करा रहा है खेलों का, ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छा कार्य है। और हर साल जो गुड्डू भी यहाँ पे नवदुर्गा में रावण दहन और नवरात्रि का कार्यक्रम कराते हैं वो भी बहुत सराहनीय है। और इनके द्वारा जो खेलों के प्रति जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही विशेष उल्लेखनीय और योगदान। भाई मेरे चचा भी हैं, बड़े भाई भी हैं, पहली तो ये। बाकी आदरणीय ध्रुव भाई ने का आज बड़ा बिजी शेड्यूल था, कल मैंने उनसे डांट खाई, वो कार्यक्रम में अभी भी अचानक आ सकते हैं क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। इस नहीं है 1978 से हम जब बच्चे थे तब ध्रुव भाई का यूनिवर्सिटी बेहतरीन क्रिकेटर, वो मीडियम पेसर बॉलर है, आप लोगों को कईयों को मालूम नहीं होगा, वो सभी खेल मैदानों में विकेटें तोड़ देते थे। विकेट पे बॉल लगी मतलब विकेट तोड़ना, ऐसे मेरे बड़े भाई ध्रुव भाई, उनका मुझे आशीर्वाद है, सहयोग है। अब इब्राहिम भाई बोलेंगे। गुड्डू भाई जो काम कर रहे हैं यहाँ शुरू से बच्चों के लिए, इनकी उत्सुकता रहती है, बस ये तन मन धन ये किसी और से नहीं, अपना खुद का ये करते हैं। और मैं आशानीपूर्ण विश्वास करता हूँ कि जो बच्चे कुछ इनके 55-60 साल है ये बहुत अच्छे से और करें और मालिक इनको कामयाबी दे, इनका मान सम्मान में इजाफा।